दास का नाम नरेश है जी। तो दास का वजन बहुत था, सांस फूलता था, चला नहीं जाता था, दिक्कतें बहुत थी। तो किसी ना फोर्टिस में जाओ, डॉक्टर जैन जी से मिलो। तो डॉक्टर जैन जी से मिले, उन्होंने फिर इलाज करा, तो ऑपरेशन करा हटने का उनका भी। दास जब से ऑपरेशन हुआ है, जब से वजन भी हल्का हुआ है, बहुत रिलैक्स करता हूँ, फिर चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं अभी, और वजन भी कम हो गया। दूरबीन वाला ऑपरेशन हुआ और ये उसके बाद अभी और वजन हल्का करने के लिए कह रहे हैं। अब दास घूमने फिरने भी लगा, पहले घूमा फिरना नहीं जाता था, और जी बहुत महसूस हल्का महसूस कर रहे हैं। और डॉक्टर जैन जी कहते हैं अभी और भी हल्का हो गए वजन, घूमो फिरो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है चलने फिरने में। तो वजन के पहले थोड़ा दर्द रहता था घुटनों में, वो आस्ते आस्ते जाएगा, आप अच्छा फील करता हूँ जी। पहले से पहले बहुत दिक्कतें थी चलने फिरने में, बैठने उठने में सो जाता था, अब नींद नहीं आती, और जी अब बहुत रिलैक्स। ये हमारे माता जी की कृपा है जो कि हमें भेजा, जो कि उनका छतर छाए हाथ है उनका, जो कि बच्चों की सेवादारों की चिंता रखते हैं, उन्होंने सब कुछ करा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ GIE एंड GIE ओंको सर्जरी इन फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली इंडिया। मिस्टर नरेश जब हमारे पास आए थे तो उनका वजन था 164 किलो और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी बिगड़ा हुआ था, पूरे शरीर में सूजन थी और वो इस लायक भी नहीं थे कि एक कदम भी चल सके। तो उसको हमने पहले एडमिट किया और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक किया, जिसको हमने बाईपैप और एक तरीके का वेंटिलेटर होता है उसको लगाकर उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल किया और यूरिन से पानी निकाल कर उनके शरीर में जो ज़्यादा पानी था उसको ख़त्म किया और उनको ऑप्टिमाइज़ किया कि इस लायक कि वो सर्जरी करा सकें। बिकॉज़ ये जो कम था होना था इनका वजन, ये किसी भी तरीके से एक्सरसाइज से या डाइटिंग से नहीं हो सकता था, तो इसका एक ही ऑप्शन था, वो था सर्जरी। तो इसके लिए हमारे को उनको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो पहले हमने 10 दिन लगाए, उनको अच्छी तरीके से मेंटेन किया, उसको इस लायक बनाया कि वो बिना किसी वेंटिलेटर सपोर्ट के रह सकें और चल फिर सकें। जब थोड़ा बहुत उन्होंने चलना शुरू किया, बॉडी में से पानी निकला, रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हुआ, तो उसके बाद हमने उनकी बैरियाट्रिक सर्जरी की, जिसके अंदर उनका हमने स्टमक का साइज़ कम किया जिससे कि वो कम खा पी पाए। तो इसको सर्जरी को किए हुए हमें करीब 2.5 या 3 महीने हो चुके हैं और वो 40 किलो अपना वजन कम कर सके हैं। तो इसकी वजह से उनका चलना फिरना काफ़ी हद तक बेटर है, वो अपने काम पे जा सके हैं और काम कर रहे हैं, उनका खाना पीना भी ठीक है और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा है, किसी बाईपैप सपोर्ट पे नहीं है। जो पहले उनको बहुत ज़्यादा खर्राटे आया करते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरीके से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो इस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी था कि पेशेंट हमारे लिए कोऑपरेट करे हमारे साथ और जो ट्रीटमेंट हम उनको कहें या कराएं तो उसको अच्छी तरीके से वो ले, और इसी वजह से ही हम उनको अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके सर्जरी करके उनको काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। और उनका जो ये वज़न है ये करीब 1 साल तक घटता रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इनका वज़न ये 90 और 100 के बीच में आ जाएगा, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी।